ब्लॉग। आज एक बार और हम आपके सामने वही गाड़ी लेकर आए हैं, XUV 700। और इसके अंदर जो उस दिन दो काम किए थे वो तो अच्छी बात है, वो हमने कर दिए थे। अब इसके बाद जो अपग्रेडेशन होने वाला है वो डैम्पिंग का होने वाला है और एम्बियंट लाइटिंग का होने वाला है। तो अब गाड़ी के अंदर होने वाली है डैम्पिंग और एम्बियंट लाइटिंग। आइए हम आपको दिखाते हैं डैम्पिंग कौन सी यूज़ कर रहे हैं, एम्बियंट लाइटिंग कौन सी यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर। चलिए चलते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर किस तरीके का जो है डैम्पिंग मटेरियल को यूज़ करने वाले हैं। अच्छा, आपके सामने यहाँ पर देख रहा है CTK की प्रोफेशनल शीट्स जो आती हैं, स्टैंडर्ड प्रोफेशनल शीट्स आती हैं। ये 2 mm थिकनेस में रहती है और ये जो है इसके अंदर अभी हम इंस्टॉलेशन करने वाले हैं। इसी के साथ ही जो है इसके अंदर हम लगा रहे हैं पूरी एम्बियंट लाइटिंग, और एम्बियंट लाइटिंग को हम जो यूज़ कर रहे हैं ये गाड़ी की K3 जो आती है ये वो वाली एम्बियंट लाइटिंग है। और इसके पहले हमने आपको एक टाइगून के अंदर फिट करके दिखाई थी, आज XUV 700 के अंदर इसकी पूरी फिटिंग चल रही है। इसका जो एमिशन निकलने वाला है ना बहुत तगड़ा निकलने वाला है। प्लीज़ कंटिन्यू रखिएगा और देखते रहिएगा कि किस तरीके से गाड़ी के अंदर एम्बियंट लाइटिंग जो लगाई है हमने वो किस तरीके से इसका ग्लो को बढ़ाती है, किस तरीके से गाड़ी की शोभा को और बढ़ाती है। तो पूरा इंस्टॉलेशन कर देते हैं इसका और फिर इसके बाद हम आपको जो है इसका एक लास्ट में वीडियो दिखाएंगे कि इस तरीके से इसका आउटपुट आ रहा है। प्लीज़ कंटिन्यू रखिएगा, देखते रहिए। तो यहाँ पे हम XUV 700 की पूरी कंप्लीट फिटिंग के बाद आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं। यहाँ पे जो है एम्बियंट लाइटिंग लग गई है और एम्बियंट लाइटिंग का हम आपको लुक थोड़ा सा दिखा दें कि ये आप देख सकते हैं डैशबोर्ड पे और गेट पे किस तरीके का ये लुक आता है। इसी के साथ ही पीछे भी दिखाएंगे हम आपको, तो यहाँ पे आप पीछे भी देख सकेंगे इसको, इस तरीके से ये पीछे लगाई गई है। एक बहुत अच्छा फीचर था इसके अंदर, यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं एक छोटा सा पुश बटन जैसा आप बोल सकते हैं इसको, ये बटन लगा हुआ है और इससे जो है आप गाड़ी के कलर जो एम्बियंस है आपका उसको चेंज कर सकते हैं। आपको जैसा एम्बियंस चेंज करना है वैसा एम्बियंस आप इसके अंदर आप लगा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए कलर चेंज करते हुए रेड, ग्रीन, ब्लू, बहुत सारे मोड्स होते हैं। सिंपल अगर आपको ब्लूटूथ से कनेक्ट नहीं करना है, आपको नॉर्मली चलाना है, तो आप उससे मोड अलग अलग आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। और ये आपको दिखा रहा हूँ मैं पूरी फिटिंग इसकी। इसी के साथ ही इसमें एक वाइट कलर आता है, बहुत प्यारा लगता है, रेड कलर में भी बहुत अच्छी लग रही है गाड़ी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी कलर्स हैं, ये देखिए वाइट कलर है, तो इसमें जो यहाँ पर आप देखेंगे ये कलर भी सेम आप इसमें मैच कर सकते हैं। आपको ऐप के थ्रू करना पड़ेगा क्योंकि ऐप के अंदर आप कलर कोड डाल सकते हैं, तो एग्जैक्टली आप कलर कोड के थ्रू आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये आप दिखा देता हूँ मैं आपको सारे जो इसके मोड हैं, ब्लू भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी इसमें है। पीछे के हम गेट से दिखाएं आपको अगर लुक इसका, तो यहाँ पे आप इसको पूरा देख सकते हैं।